एक बात बताओ मेरे को, अरे मैं पौधे का चक्कर काट ही क्यों रहा हूँ, है तो एक पौधा ही है, और इतने सारे तो मंत्र बता दिए इन लोगों ने, समझ नहीं आता कौन सा मंत्र जपना कौन सा नहीं जपना। चलो यार कर ले। तुलसी जी की एक परिक्रमा करें, दो करें, चार करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, रमा तुलसी है कि शमा तुलसी है? तुलसी जी को क्या हम रविवार को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? पानी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? कब पानी दें? सुबह दें, दोपहर दें, शाम दें? क्या हम तुलसी जी को दवाई के रूप में यूज कर सकते हैं? अगर मेरे पास भोग में तुलसी जी खत्म हो गई है तो मैं क्या करूं? थोड़ी सी तुलसी है, क्या मैं उसको दो भाग में कर सकता हूं? अगर मेरी तुलसी जी सूख गई हो फिर मैं क्या करूं, भोग कैसे लगाऊंगी? ऐसे सैकड़ों क्वेश्चंस आपने मुझसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे बार बार पूछे हैं, तो आज एक ऐसा सेशन लाया हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ लाया हूँ, जो तुलसी महारानी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। बने रहना इस वीडियो में, आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा, और याद रखना शेयर करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर वन, तुलसी जी की पूजा करें क्यों, ये तो एक पौधा है, ऐसे कहने वाले बहुत लोग हैं। तो देखिए ध्यान से सुनना, बिन तुलसी प्रभु एक ना मानी, नमो नमः तुलसी महारानी। श्री कृष्ण, अगर आप भक्त हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि भगवान बिना एक तुलसी के पत्ते के भोग भी नहीं खाते हैं। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, श्री तुलसी देवी गोविंद श्री कृष्ण की बहुत ही प्रिय निकटम सखी है। हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, यदि कोई तुलसी महारानी को सिर्फ देख भी लेता है, सिर्फ देख भी लेता है, यदि उनके चरणों को छू लेता है, मतलब उनके जो चरणों में यहाँ पर उनके जो मिट्टी है, यदि वो अपने मस्तिष्क धारण कर लेता है तुलसी जी को, केवल देखने मात्र से, उनको छूने मात्र से, उनकी पूजा करने मात्र से, उनकी परिक्रमा करने मात्र से, व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन से सारे के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, और तो और बीमारियां भी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए तुलसी महारानी की सेवा पूजा अवश्य करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू, बार बार पूछते हैं लोग मुझसे, क्या तुलसी जी को हम दवाई में यूज कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि दवाई में आपको तुलसी लेनी जरूरी है। देखिए तुलसी जी भगवान की बड़ी प्रिय सखी है, और ये देवी है, एक वृंदा देवी है जो पौधे के रूप में आई है। प्लीज आप अपने दवाई में तुलसी जी को मत लीजिएगा। जो कुछ लोग काढ़ा में तुलसी जी का उपयोग करते हैं, कुछ लोग पानी में उबाल देते हैं तुलसी जी को, तुलसी जी एक देवी है, उनको बहुत दर्द होता है, मत कीजिएगा, पानी में मत उबालिएगा। सर्दी जुकाम के लिए कुछ लोग गर्म दूध में डाल देते हैं, इसको प्लीज आज से छोड़ दीजिएगा। तुलसी को आप दवाई में मत उपयोग कीजिएगा, फाइंड सम अदर अल्टरनेट सॉल्यूशन, और भी सारी दवाइयां होंगी जिसमें तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर थ्री, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुलसी जी के कौन से पत्ते को तोड़ना चाहिए, हम तो बड़ी डाउट में आ जाते हैं। तो देखिए जो पत्ता तुलसी जी का कमजोर हो, कोमल हो, डार्क ग्रीन जिसका कलर हो जाए उसको मत तोड़िएगा, जो लाइट ग्रीन जो पत्ता हो उसको आप आराम से तोड़िएगा। तुलसी जी एक देवी है, ऐसे नहीं है कि बेरहमी से, कुछ लोग कैंची से भी काटते हैं तुलसी जी के पत्ते, ये गलत है। आपने क्या करना है, आपने एक उंगली से उनके ट्विक को पकड़ना है और दूसरे उंगली से आपने तुलसी जी के पत्ते को निकालना है, बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से। और याद रखिएगा, जब मर्जी नहीं निकालना आपने तुलसी जी के पत्ते को, सुबह उठ गए तुलसी जी के पत्ते ले आइए, जरा उखाड़ के ले आए, दोपहर को ले आए, शाम को ले आए, क्योंकि भोग लगाना है, तुलसी जी है नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हैं शास्त्र, सुबह से लेकर जब सूर्य उदय हो जाए बस इतने टाइम तक ही आप तुलसी जी के पत्ते को तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शाम को तोड़ लिया, रात को तोड़ लिया, ये गलत है। तो एक टाइम चूज कर लीजिएगा, वैसे कहा जाता है कि 8 बजे तक ही, सुबह से लेकर 8 बजे तक ही बस ये समय है तुलसी जी के दल को तोड़ने का। क्वेश्चन नंबर फोर, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुलसी जी में ना मंजरियां भी होती हैं, क्या हम मंजरियों को निकाल सकते हैं, तोड़ सकते हैं? जी हाँ, आप मंजरियों को तोड़ सकते हैं। मंजरियां जो हैं वो तुलसी महारानी के क्या होती हैं, नाखून होते हैं, जैसे पत्ते जो होते हैं वो तुलसी देवी के बाल होते हैं, तो नाखून जब बढ़ जाते हैं आप काट देते हो ना, क्योंकि कई बार जब नाखून कहीं लग जाता है बहुत दर्द होती है, उसी प्रकार तुलसी देवी जी को भी बहुत दर्द होता है जब मंजरियां बढ़ जाती हैं, उनको समय पर आप निकाल दीजिएगा। कब? जब वो डार्क ग्रीन कलर के हो जाए ना, उसी समय आप निकाल दीजिए। जितना देर आप लगाएंगे मंजरियों को निकालते हुए, उतनी देर तुलसी देवी जी को दर्द होगा, तो प्लीज मंजरियों को आप समय पर निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भोग में ना कभी कभी हमारे पास ना तुलसी जी के पत्ते कम पड़ जाते हैं, तो फिर क्या करें, क्या हम उनके पत्तों का दो भाग कर सकते हैं?
जी हाँ, आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा अपराध नहीं है। तुलसी जी का हर एक पत्ता, तुलसी जी का हर एक अंश अपने आप में ही पूर्ण है, वो उतना ही काम करेगा जितना एक पूरा पत्ता करेगा। तो अगर तुलसी जी के दल भोग में कम पड़ रहे हो, आप निश्चित रूप से दो भाग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन बहुत बार पूछते हैं लोग, क्या हम तुलसी जी के पत्तों को चबा सकते हैं? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के डाउट्स के आंसर आपको मिल रहे हैं, कमेंट करके मेरे को एक बार बता दो ना। देखिए, तुलसी जी के पत्तों को आपको बिल्कुल भी नहीं चबाना है, ये अगेन बहुत बड़ा अपराध है। तुलसी जी एक देवी है, तो अगर चबाना नहीं है तो क्या करना है? निगलना है। देखिए, साइंटिफिकली भी अगर हम देखें, तुलसी जी में क्या होता है, मर्करी होती है, और मर्करी जब हम तुलसी जी के पत्तों को बार बार ज्यादा चबा देते हैं तो वो मर्करी रिलीज करता है, और उससे क्या होता है, एक बीमारी पैदा हो जाती है मुंह में, जिसको कहते हैं पाइरा बीमारी। पाइरा बीमारी से हमारे मुंह में बदबू रहती है 24 घंटे के लिए। तो आपने क्या करना है, तुलसी जी के पत्तों को चबाना नहीं है, ये अपराध भी है, तो निगलना है आपको, आराम से प्रेम से प्रसाद खाते हुए निगलना है। आप सोचोगे यार कभी कभी गले में ना अड़ जाए, तो पानी भी दिया भगवान ने, पानी के साथ आप प्रेम से तुलसी जी को आराम से निगल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत लोग पूछते हैं कि हमारी तुलसी जी ना सूख गई है, भोग कैसे लगाऊं मैं, तुलसी जी है ही नहीं मेरे पास। तो देखिएगा, तुलसी जी की जो डाली भी है, जो सूखी हुई डाली है, उसका भी उपयोग आप भोग में कर सकते हैं। यहाँ तक कि तुलसी जी के जो सूखे हुए पत्ते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं आप भोग में। यहाँ तक कि जो तुलसी के जो गिरे हुए पत्ते हैं, उसको भी उठाकर आप भोग में उपयोग कर सकते हैं। अगर ये सब भी नहीं है, आपके पास तुलसी जी की जो माला है, चैंटिंग बीड्स है, उसको भी आप थाली से स्पर्श कर देंगे, आपके पास कंटी माला है तुलसी जी का, आप उसका स्पर्श कर देंगे, फिर भी आपका भोग स्वीकार कर लेंगे श्री ठाकुर जी। क्वेश्चन नंबर 8, लोग पूछते हैं कि हमारे घर में ना तुलसी जी बहुत बड़ी हो गई है, बढ़ती जा रही है, तो क्या हम उनकी छटाई कर सकते हैं, क्योंकि जड़ें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? जी हाँ, आप जरूर उनकी छटाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक करना है। ऐसा नहीं है कि बेरहमी के साथ आप फाफड़ा चला दो और उनको काटने लग जाओ, बड़े ध्यान पूर्वक प्रेम से तुलसी जी की आपने छटाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बार लोग पूछते हैं कि हमारे तुलसी महारानी जो है ना, उनके पत्तों पे कीड़े लग गए हैं, तो अब क्या करना है, मैं पेस्टिसाइड यूज कर लूं उसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल भी आपने पेस्टिसाइड किसी भी प्रकार का यूज नहीं करना है। नीम के जो पत्ते हैं, उनको गलाकर उसका जो रस बनता है, जो पानी है, उसका स्प्रे बनाना है, और उसके बाद आपने तुलसी जी के पत्तों पे डालना है। और अगर बहुत सारे कीड़े लगे हो और आपने कीड़े के पत्तों को निकाल भी दिया हो, उन पत्तों को क्या करना है, है तो तुलसी जी, आपने किसी और वृक्ष के जड़ में उनको डाल देना है। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत सारा यूथ मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या हम भी कंठी माला पहन सकते हैं? आपने कंठी माला पहनी हुई है, बड़ी स्मार्ट लगती है, पहन सकते हैं आप, कोई अपराध नहीं है। लेकिन एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये है, अगर आप प्याज लहसुन खाते हो, अगर आप शराब पीते हो, अगर आप मांस खाते हो, अगर आप चाय पीते हो, तो प्लीज़ आप तुलसी माला को मत धारण कीजिएगा, नीम की माला पहन लीजिएगा। तुलसी जी बहुत ही शुद्ध है, बिना तुलसी के तो भगवान भोग भी नहीं लेते हैं। प्रयास हमें ये करना है कि हम भी शुद्ध हों, फिर तुलसी महारानी को अपने गले में पहने। एक गलती जो यूथ करता है, वो क्या करते हैं कि तुलसी माला को बैंड के रूप में बांधते हैं, फैशन के लिए ना, शो ऑफ करने के लिए। प्लीज अगर आप मेरे को सुन रहे हैं, डू नॉट डू दिस, डू नॉट यूज तुलसी बीड्स एज अ बैंड, ये बहुत बड़ा अपराध है। क्वेश्चन नंबर 11, तुलसी जी की पूजा कब करें, सुबह करें, दोपहर करें कि शाम करें? देखिए, शास्त्र बताते हैं हमें, स्कंद पुराण हमें बताता है कि तुलसी जी की पूजा आप सुबह करें और शाम को करें। सूर्य अस्त होने के बाद आप तुलसी जी की पूजा ना करें, पूजा तो छोड़िए, आप तुलसी जी के पत्तों को भी हाथ मत लगाइएगा। तुलसी जी की पूजा आप अगरबत्ती से, धूप से और फूलों से कर सकते हैं। परिक्रमा की बात आई, तो परिक्रमा आपने 3 बार करनी है। बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न ये पूछते हैं कि क्या हम रविवार को तुलसी जी को जल डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? देखिए, आपने जल तुलसी जी को हर दिन, हर रोज डालना है। ये अंग्रेजी कैलेंडर है कि आपको रविवार को नहीं डालना है, हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो प्लीज आप जल हर दिन डालिएगा, लेकिन तुलसी के पत्तों को आपने द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना है, बाकी सारे दिन आप तोड़िएगा। याद रखिए, सूर्य अस्त होने के बाद आपने तुलसी जी की कोई सेवा, पूजा या उनको छूना तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, क्या मैं तुलसी जी के पत्तों को शिव जी को चढ़ा सकती हूँ, दूसरे देवी देवताओं को चढ़ा सकता हूँ मैं? बिल्कुल भी नहीं। तुलसी महारानी के पत्ते केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये कृष्ण की प्रिय है। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। तो केवल कृष्ण या भगवान विष्णु के तत्व, जैसे भगवान नरसिंह देव, ऐसे विष्णु तत्व के
हम तुलसी जी को चढ़ाते हैं, यहाँ तक कि भगवान शिव जी और कोई देवताओं को तुलसी जी के पत्ते नहीं डलेंगे, श्रीमती राधा रानी को भी नहीं डलते हैं, केवल उनके हाथों में आप डाल सकते हैं, उनके चरणों में नहीं डालना है। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा गंभीर है। क्वेश्चन ये है कि अंतिम समय में एक मृत व्यक्ति के पास या उनके ऊपर कभी कभी दिखाया जाता है कि मुंह पे भी तुलसी जी का पत्ता रखा हुआ है, ऐसा क्यों है और तुलसी जी की क्या महिमा है अंतिम समय में? देखिए, ब्रह्मवेद पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और भक्ति रसामृत सिंधु और अनेक शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी महारानी को यदि कोई एक बार भी देख लेता है, तुलसी जी को यदि कोई स्पर्श भी कर लेता है, यमराज जी कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास आपको कभी भी, अपने यमदूतों को कह रहे हैं, कभी भी नहीं जाना है। हरि भक्ति सहोदय नाम का एक शास्त्र है जिसमें बताया गया है कि यदि कोई तुलसी महारानी का एक दल भी, उनके एक पत्ते को भी एक बार स्पर्श कर लेता है, तो जितने तुलसी महारानी जी के उस गमले में पत्ते हैं, टेनियां हैं, दल हैं, उतनी देर तक उस व्यक्ति के परिवार के लोग या उसके पूर्वज वैकुंठ को वास करते हैं। तो इसलिए अंत समय में तुलसी जी को मुख पर धारण करते हैं या तुलसी जी के जो डालियां हैं, टेनियां हैं, वो अंतिम संस्कार के समय प्रयोग किया जाता है ताकि वो जीव आत्मा है उसको वैकुंठ या परम गति की प्राप्ति हो। क्वेश्चन नंबर 14 और 100 में से 99 लोगों का एक ही क्वेश्चन कि भैया रमा तुलसी कि श्यामा तुलसी, कौन सी तुलसी, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी में कोई अंतर है? शास्त्र कहते हैं रामा तुलसी और श्यामा तुलसी में कोई अंतर नहीं है, केवल रंग का अंतर है। जैसे कृष्ण और बलराम में सिर्फ रंग का भेद है, कृष्ण श्याम रंग के हैं और बलराम जी सफेद रंग के हैं। तो आज के बाद कभी भी रामा तुलसी हो चाहे श्यामा तुलसी हो, कोई भी डिफरेंस, कोई भी भेद आप लोगों ने नहीं करना है, दोनों रमा तुलसी श्यामा तुलसी को आपको कृष्ण की सेवा में उपयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, मैं आशा करता हूं कि आपने कमेंट्स में मेरे को बताया है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए हैं। बहुत मेहनत लगती है आपको ये सारे इंफॉर्मेशन शास्त्र से निकाल के इतनी आसानी से आपको दे देना। क्वेश्चन नंबर 15 इज कि मैं तुलसी महारानी को कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ, कैसे मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ? तो देखिए, आप तुलसी महारानी को आचमन कर सकते हैं, उनकी परिक्रमा कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। यू कैन प्लांट तुलसी सीड्स, आप तुलसी जी के पौधे लगा सकते हैं। और तो और, अगर आपके पास ये सब करने का समय नहीं है तो आप तुलसी महारानी की महिमा को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फैला सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा। कहा जाता है ब्रह्मवेद पुराण में कि तुलसी महारानी जिसके घर में होती है, एक भी तुलसी जी का जो गमला आपके घर में होता है, उस घर में कभी भी यमराज यमदूत नहीं आते हैं। कहा जाता है तुलसी जी के एक एक दल पे, एक एक पत्ते पे कृष्ण निवास करते हैं, एक एक तुलसी जी के पत्ते पे गंगा यमुना सरस्वती पवित्र नदियां वास करती हैं। कहा जाता है कि पवित्र धाम जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका धाम, श्रीनाथ द्वारा, तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ स्वामी, रामेश्वरम, सारे के सारे जो पवित्र धाम है वो तुलसी जी के एक पत्ते पे वास करते हैं। कहा जाता है कि तुलसी के प्रत्येक दल पर, प्रत्येक पत्ते पे कृष्ण निवास करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपके घर में तुलसी जी हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी तुलसी जी की सेवा करेंगे। जल्दी से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको 10 अमेजिंग फैक्ट्स, ग्लोरीज, महिमा तुलसी महारानी के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर था। जल्दी मिलता हूँ, आपका दास गोविंद कृष्णदास जी के डी।